दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार में अब स्वाइन फ्लू से मचा हड़कंप, कोरोना के बाद वायरल फीवर का भी कहर। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद वायरल बुखार का असर गहराया हुआ है। इसी बीच अब स्वाइन फ्लू के भी मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस साल राज्य में स्वाइन फ्लू के ये पहले मामले हैं, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि बिहार में अभी तक स्वाइन फ्लू के 9 मरीजों की पहचान कर ली गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। विदित हो कि सांस संबंधित संक्रमण वाला स्वाइन फ्लू सुअरों में जन्मा तथा बाद में मनुष्यों में फैला। इसके मामले बढ़ने पर 2019 में इसे महामारी घोषित कर दिया गया। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में वायरल बुखार और ब्रोंकोलाइटिस का कहर जारी, 41 नए बच्चे भर्ती। SKMCH पहुंचते ही एक ने दम तोड़ा। जी हां, हफ्ते भर से मुजफ्फरपुर में बड़े वायरल बुखार व ब्रोंकोलाइटिस का प्रकोप अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार शाम तक अस्पतालों में 41 बीमार बच्चों को भर्ती कराया गया। इस दरमियान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से लाया गया बच्चा SKMCH के POCI में भर्ती होने से पहले ही दम तोड़ दिया। एक दिन पहले शनिवार को भी SKMCH में 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिनमें एक पश्चिमी चंपारण के रामनगर का जेई पीड़ित बच्चा और दूसरा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का चमकी पीड़ित बच्चा शामिल था। वर्तमान में अस्पतालों में 125 बच्चे भर्ती है। 75 बच्चों की स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी भी दे दी गई है। दूसरे स्वास्थ्य विभाग के टीमों को प्रशासन ने अलर्ट मोड में रहने का आदेश भी दिया है। अगली बड़ी खबर, वायरल फीवर को लेकर रहे एक्टिव और अलर्ट। CM नीतीश ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, कहा इलाज में ना हो कोई कमी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में कोताही ना हो यह सुनिश्चित करे। इसको लेकर अलर्ट और एक्टिव रहे, वायरल बुखार के लक्षणों पर भी नजर बनाए रखे, अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखे। उन्होंने कहा कि वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। बड़ी खबर, बिहार में बीमारी पर CM का अलर्ट, कोरोना के खतरे को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अब एक दिन में 2,00,000 लोगों की होगी जांच, बाहर से आने वालों पर विशेष नजर। जी हां, बिहार में कोरोना से बचाव की तैयारी को लेकर शनिवार को CM नीतीश कुमार ने कई निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बाहर से आने वालों की जाँच अनिवार्य कर दी गई है। मुंबई, केरल और तमिलनाडु से आने वालों की जांच जरूर करने और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अलर्ट रहने का आदेश दिया है। साथ ही बच्चों को हो रहे बुखार को लेकर अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। एक दिन में 2,00,000 कोरोना जांच करने के भी निर्देश दिया गया है। साथ ही CM नीतीश ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जिनका टीकाकरण बचा है उनका जल्द से जल्द टीकाकरण कराए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण में तेजी लाए। टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का कारगर उपाय है। CM ने कहा लोग मास्क का प्रयोग हर हाल में करें, यह कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ अन्य वायरल बीमारियों से भी बचाव के उपयोगी है। बड़ी खबर, बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की डेट बढ़ी। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब बिहार बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी 17 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इंटर परीक्षा 2022 के लिए वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। बड़ी खबर, पटना में तंबाकू बिक्री पर 5 नियम बनेंगे। जिस दुकानों पर बिस्किट चॉकलेट बिकते हैं वहां तंबाकू नहीं बिकेंगे, नगर निगम से परमिशन लेकर ही बेच पाएंगे तंबाकू। जी हां, अब पटना नगर निगम की मर्जी के बिना शहर में तंबाकू नहीं बिकेगी। इसके लिए दुकानदारों को निगम से अनुमति लेनी होगी। देर से ही सही, लेकिन नगर निगम कोटपा कानून को लेकर जगा है। आप पटना नगर निगम और सीड संस्था द्वारा शहर में खुलेआम तंबाकू का इस्तेमाल करने एवं बेचने वालों पर कार्रवाई पर मंथन चल रहा है।
इसके लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि तंबाकू बेचने के लिए 5 बड़े नियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तंबाकू की दुकान में कोई खाद्य सामग्री नहीं बिकेगी। शहर में तंबाकू की बिक्री के लिए पटना नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर दंड एवं तय अवधि की सजा होगी। वहीं लास्ट में तंबाकू की दुकान पर अन्य खाद्य सामग्री बिस्किट चॉकलेट नहीं बेची जाएगी। बड़ी खबर, पासवान की बरसी पर नहीं आए सीएम नीतीश, चिराग के निमंत्रण को भी नहीं किया था स्वीकार। कल चिराग ने खोला राज, बोले ऐसे मौके पर 2 मिनट के लिए आते तो बहुत अच्छा होता। जहां रामविलास पासवान की पहली बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, चिराग पासवान की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई का असर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बरसी पर भी दिखा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ना तो खुद आए और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा। आपको बता दें कि कल बरसी पर श्रद्धांजलि देने के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता भी आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, जबकि वर्तमान डिप्टी सीएम और भाजपा नेता रेणु देवी, मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री मंगल पांडे, राजद नेता श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाजपा नेता व पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई नेताओं आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी खबर, बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, पटना समेत इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। जी हाँ, बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में तेज धूप और रात होते ही बारिश हो जा रही है। समस्तीपुर, पटना, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जहानाबाद, शेखपुरा और नालंदा में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यह अगले 24 घंटों में मौसम बदलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में ठंड का गिरने और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बड़ी खबर, बिहार में मिले 7 नए मरीज, केरल और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए हेल्थ विभाग ने बढ़ाई सख्ती। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 80 हो गई है। कोरोना के 2 नए मरीज में सबसे अधिक पटना और मुंगेर जिले में 2-2 मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही भोजपुर जिले में 1, कटिहार जिले में 1 और सीतामढ़ी जिले में 1 मरीज पाए गए हैं। राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 98.65% दर्ज किया गया है। कुल 7,16,088 मरीज ठीक हुए हैं। बड़ी खबर, बिहार में पोलियो रोधी खुराक पिलाने का अभियान, 26 से 2 करोड़ बच्चों को दी जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान के साथ कृमिनाशक दवा खिलाने और पोलियो का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत घर घर जाकर कृमिनाशक दवा, एल्बेंडाजोल और पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान 2 करोड़ से अधिक बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवा और पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। सितंबर में 16 से 21 तक राष्ट्रीय कृमिनाशक सप्ताह और 26 सितंबर को पोलियो टीकाकरण सप्ताह के तहत 2 गंभीर बीमारियों के नियंत्रण को लेकर अभियान शुरू होगा। बड़ी खबर, फ्लू कॉर्नर में होगा बुखार पीड़ित बच्चों का इलाज, बिहार के सभी अस्पतालों में बनी विशेष व्यवस्था। जहां बच्चों में हो रही वायरल फीवर के डर के बीच अब शहर के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल व रेफर अस्पतालों में भी सावधानियां बरती जा रही है। सोमवार से खांसी, जुकाम, बुखार के बच्चे यहां पहुंचेंगे, उनको फ्लू कॉर्नर कक्ष में देखा जाएगा। इसके लिए अलग से डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है और पर्चा भी मरीज का यहीं पर बनेगा।
बड़ी खबर, दिसंबर तक तैयार हो जाएगा कोइलवर बक्सर फोरलेन। नए कोइलवर पुल पर अक्टूबर से दौड़ने लगेंगी गाड़ियां। जी हां, कोइलवर बक्सर फोरलेन सड़क इसी साल बनकर तैयार हो जाएगी। इसका मुख्य हिस्सा करीब 23.5 किलोमीटर लंबे दानापुर बिहाटा एलिवेटेड रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार से DPR की मंजूरी के इंतजार है। इसके बाद एजेंसी का चयन कर इसी साल निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 2024 में इस एलिवेटेड रोड पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके बनने से पटना और बिहाटा की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा। कोइलवर बक्सर फोरलेन सड़क का ही हिस्सा सोन नदी पर कोइलवर में 6 लेन का नया पुल बनकर तैयार है। 3 लेन पर पहले ही आवागमन शुरू हो चुका है। अन्य 3 लेन से अगले महीने से आवागमन शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए CM। BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। जी हां, विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद गुजरात में शुरू हुआ सियासी संकट अब अंत हो गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नए CM को लेकर गांधीनगर स्थित भाजपा ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें भाजपा विधायक के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बतौर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। बड़ी खबर, 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी वयस्क आबादी को लगी वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने दी बधाई। जी हां, देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सिक्किम, दादर और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल गई है। देश में रविवार को टीकाकरण का आंकड़ा 74 करोड़ को पार कर गया है। कोविन पोर्टल के अनुसार रविवार को रात 8 बजे लगभग 50,25,159 खुराक दे दी गई थी। इन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक देने के लिए बधाई। इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों के उनके परिश्रम और प्रतिबद्धता की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग अक्टूबर में BPSC को भेजेगी रिक्तियां। इसके 15 दिन बाद प्रकाशित होगा विज्ञापन। 45,852 में से 16,000 प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक पदों पर महिलाओं की होगी नियुक्ति। जी हां, 45,852 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग अक्टूबर में BPSC को प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,334 प्रधान अध्यापक की रिक्ति भेजेगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि होने वाले पंचायत चुनाव में आप अपने मुखिया को किस आधार पर चुनने वाले हैं? इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।